इसलिए ड्यूटी में काम करने के लिए वीडियो में दिखाए गए निर्देशों का पालन करें। अगले और पिछले बॉडी के ब्रैकेट को पिन द्वारा लॉक करें। स्लीव रिंग के दोनों पिनों को निकाल कर अनलॉक करें। एक्सेलेटर पैडल को मैन्युअली इंजन के 1500 आरपीएम पर सेट करें। आगे के आउटरिगर को पूरी तरह से बाहर निकालें। नरम सतह पर सुरक्षित संचालन के लिए आउटरिगर को नीचे लकड़ी के तख्ते या स्टील पैड का उपयोग करें। नीचे के जैक को टायरों के जमीन के साथ संपर्क छोड़ने तक नीचे करें। पीछे के आउटरिगर को पूरी तरह से बाहर निकालें। और मशीन के लेवल गेज को सेंटर में आने तक जैक को नीचे करें। एक्सेलेटर पैडल को सामान्य स्थिति में लाएं। अब क्रेन स्लीव ऑपरेशन के लिए तैयार है।